गुड मॉर्निंग, हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें क्लास 11th का चैप्टर ले रहे हैं हम, जड़ तना व पत्ती की आंतरिक संरचना। हमने जो है पिछली क्लास के अंदर एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की। आज हम जो है इसमें द्विबीजपत्री पादप के तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आज जो है हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसके तने की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे जो है एक मैं द्विबीजपत्री पादप के तने की संरचना का जो है एक रेखीय डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसमें हमें द्विबीजपत्री पादप के तने की अलग अलग भाग जो है वह हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तने की अगर संरचना देखते हैं तो तने में सबसे बाहर की ओर जो है रोम पाए जाते हैं। तनों के अंदर जो रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं, जबकि जड़ में जब हमने पढ़ा था तो जड़ों में मूल रोम होते हैं जो एक कोशिकीय प्रकार के होते हैं, जबकि यहाँ पर ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय प्रकार के हैं। मूल रोम जो रोम होते हैं तने में यह बाह्य त्वचा पर स्थित होते हैं। बाह्य त्वचा पर यहाँ पर रंध्र भी पाए जाते हैं, जबकि हमने जब जड़ों की संरचना पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो जड़ें होती है उनमें बाह्य त्वचा जो शब्द है इसके स्थान पर हम एक शब्द है एपिब्लेमा, इसका जो है हम उपयोग करते हैं, और यहाँ पर जो है हम एपिडर्मिस शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है जड़ों के लिए जब बाह्य त्वचा शब्द जो है नहीं आता उसके स्थान पर जो है एपिब्लेमा शब्द जो है वो ज़्यादा उचित होता है, इसीलिए हम एपिब्लेमा शब्द का उपयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा के रूप में जो है पाई जाती है। तने के अंदर बाह्य त्वचा पर जो है रोम स्थित होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, इसके अलावा बाह्य त्वचा पर जो है रंध्र भी जो है पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे तने में जो है द्विबीजपत्री पादप के तने में जो है वल्कुट पाई जाती है, जो यहाँ पर दो प्रकार की होती है। यहाँ पर यह जो वल्कुट है यह स्थूल कोणोत्तकी प्रकार की होती है। स्थूल कोणोत्तकी प्रकार की यहाँ पर जो है वल्कुट पाई जाती है। ऐसा इन कोशिकाओं के अंदर जो है लिग्निन, सुबेरिन, इसके अलावा कैल्शियम पैक्टेट का जो है जमाव जो होता है इन कोशिकाओं के ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण से ये कोशिकाएं जो होती है स्थूल कोणोत्तकी प्रकार की होती है। और इस स्थूल कोणोत्तकी जो परत की कोशिकाएं होती हैं उनके ठीक नीचे जो है यहाँ पर मृदु उत्तकी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। तो ये तो स्थूल कोणोत्तकी प्रकार की है और इसके नीचे जो है मृदु उत्तक कोशिकाएं जो होती है पाई जाती है। तो वल्कुट जो है यहाँ पर दो भागों में बटी हुई होती है, एक तो स्थूल कोणोत्तकी कोशिकाओं वाली और सेकंड है इसमें मृदु उत्तक कोशिकाओं वाली। ठीक है, इसके फिर ठीक नीचे जो होता है यहाँ पर क्या पाया जाता है, एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस पाई जाती है जिसे हम अंतस्थ त्वचा कहते हैं, एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस जो होता है इसके ठीक नीचे जो है यहाँ पर पेरिसाइकल पाए जाते हैं। पेरिसाइकल जो होते हैं यहाँ पर ये जो होते हैं ये क्या होते हैं यहाँ पर दृढ़ोत्तकी प्रकार के पाए जाते हैं, या परिरंभ जो होता है ये क्या सा होता है यहाँ पर दृढ़ोत्तकी प्रकार का पाया जाता है, इसे परिरंभ कहते हैं। जो कैसा होता है यहाँ पर यह दृढ़ोत्तकी प्रकार का पाया जाता है। परिरंभ की कोशिकाएं जो होती है ये क्या होती है दृढ़ोत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है तने के अंदर।
ठीक है, इसीलिए इसको दृढ़ोत्तक की परिरंभ कहा जाता है। इसका एक सामान्य नाम और है जिसे हार्ड बास्ट भी इसे जो है कहा जाता है। तो ये जो है हार्ड बास्ट या दृढ़ोत्तक की परिरंभ कहलाता है। परिरंभ जो होता है इसके ठीक नीचे जो है यहाँ पर फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम के ठीक नीचे जो है यहाँ पर जो है ऐदा पाई जाती है, और ऐदा के ठीक नीचे जो है यहाँ पर क्या होता है, जाइलम पाया जाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संरचना बनती है। इस प्रकार से तो ये जो है सावन मंडलों का निर्माण यहाँ पर होता है। यहाँ पर सावन मंडल जो होते हैं यह संयुक्त प्रकार के होते हैं। इसके अलावा यह जो है बही फ्लोएमी प्रकार के होते हैं, और यह जो है खुले प्रकार के होते हैं। सावन पुलों की यहाँ पर विशेषता है कि ये जो है बही फ्लोएमी संयुक्त खुले प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य जो है ऐदा पाई जाती है, जिसके कारण से इनमें जो है द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये जो है एक हमने इसका आरेखी चित्र बनाया है, जो हमको तने की आंतरिक संरचना को समझाने में सहायता करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बाहर की ओर तो है रोम। रोम जो होते हैं यह बाह्य त्वचा पर स्थित होते हैं, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस एक कोशिकीय स्तर होता है, जिसके ठीक नीचे जो है वल्कुट पाया जाता है। वल्कुट यहाँ पर दो प्रकार का है, स्थूल कोणोत्तकी और मृदुत्तकी प्रकार का। और इसके ठीक नीचे जो है फिर क्या पाई जाती है, एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा पाई जाती है। अंतस्थ त्वचा के ठीक नीचे क्या होता है, परिरंभ होता है, जिसे हार्ड बास्ट या दृढ़ोत्तकी परिरंभ कहते हैं। और इसमें जो है फ्लोएम जो होता है वह परिरंभ के नीचे स्थित रहता है। सावन मंडलों का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर फ्लोएम जो होता है यह परिरंभ के पास में स्थित होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है यह बाह्य फ्लोएमी प्रकार का पाया जाता है। यानी बाह्य फ्लोएमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम बाहर की ओर है, तथा जाइलम जो होता है वो अंदर की ओर पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है, ऐदा पाई जाती है, जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण से ही द्विबीजपत्री पादपों के तनों में जो है द्वितीयक वृद्धि होती है, तनों की मोटाई में वृद्धि होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि ऐदा के ठीक नीचे फिर क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। जाइलम जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो पाया जा रहा है वह आदि दारुक प्रकार का होता है। तो ये जो है जाइलम है। और यहाँ पर केंद्र में जो होता है, केंद्र में जो है मज्जा पाई जाती है। मज्जा यहाँ पर सुविकसित प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक द्विबीजपत्री पादप तने की संरचना का निर्माण होता है। जब इसकी आंतरिक संरचना की बात हम करते हैं, ये हमने जो है अभी रेखीय चित्र बनाया है। जब हम इसकी बाह्य आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें जो है निम्नलिखित प्रकार से ये कोशिकाएं जो होती है हमें दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर ये हमने बनाए हैं रोम, जो इसमें क्या है बहुकोशिकीय प्रकार का होता है, जो इसमें कैसा है बहुकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। तो ये रोम बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। रोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर क्या होती है, एक कोशिकीय परत के रूप में क्या है, बाह्य त्वचा पाई जाती है। इस प्रकार से ये जो है बाह्य त्वचा जो होती है यहाँ पर विकसित होती है। बाह्य त्वचा पर रंध्र भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो है वल्कुट भाग पाया जाता है।
वल्कुट भाग जो होता है यह इस प्रकार से जो है रहता है, जो दो से तीन कोशिकीय परत होती है। सामान्यतया वल्कुट जो दो से तीन कोशिकीय परत है या स्थूल कोणोत्तकी कोशिकाओं की बनी हुई होती है। अर्थात इन कोशिकाओं में क्या होता है कि लिग्निन, सुबेरिन, कैल्शियम पैक्टेट आदि का जमाव जो होता है यहाँ पर पाया जाता है। इस कारण से यह जो है स्थूल कोणोत्तकी कोशिकाओं के रूप में जो है विकसित होती है। इस स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं के ठीक नीचे जो है मृदु उत्तकी कोशिकाएं जो होती है वह पाई जाती है। इसीलिए क्या है वल्कुट को यहाँ पर हमने दो भागों में बांटा है, जिसे मृदु उत्तक कोशिकाएं कहते हैं। और यह जो है मृदु उत्तक कोशिकाएं इस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यवस्थित रहती हैं, इस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यवस्थित रहती है। ये ऐसे मृदु उत्तक कोशिकाएं जो होती है यह पतली भित्ति वाली होती है, पतली भित्ति वाली गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। सामान्यतया मृदु उत्तक जो होती है वल्कुट की वह कोशिकाएं जो होती है पतली भित्ति वाली होती है, और इन कोशिकाओं के बीच बीच में जो है अंतरा कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। इस प्रकार से अंतरा कोशिकीय अवकाश यहाँ पे मिलता है। मृदु उत्तक के ठीक नीचे, मृदु उत्तक के ठीक नीचे यहाँ पर क्या है एंडोडर्मिस पाई जाती है। ये एंडोडर्मिस हम बना रहे हैं। मृदु उत्तक कोशिकाओं के ठीक नीचे क्या होती है एंडोडर्मिस कोशिकाएं परत के रूप में जो है पाई जाती है। इस प्रकार से और एंडोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है यह एक परत का निर्माण करती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे क्या होता है परिरंभ कोशिकाएं पाई जाती है, परिरंभ कोशिकाएं पाई जाती है। ये परिरंभ कोशिकाएं जो होती है सामान्यतया क्या होती है दृढ़ोत्तकी प्रकार की मिलती है द्विबीजपत्री पादपों के तनों में, तो इसे जो है हम दृढ़ोत्तकी बनाएंगे। दृढ़ोत्तक कोशिकाएं जो होती है ये क्या होती है कठोर भित्ति वाली होती है। तो यहाँ पर परिरंभ जो है ये क्या है दृढ़ोत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे जो है हार्ड बास्ट कहा जाता है। तो ये जो है यहाँ पर परिरंभ है, और इस परिरंभ के ठीक नीचे क्या होता है फ्लोयम जो होता है वह पाया जाता है। फ्लोयम यहाँ पर उपस्थित रहता है, परिरंभ के ठीक नीचे फ्लोयम है, इसीलिए यहाँ पर जो सहवन पुल बनते हैं यह बही फ्लोएमी या कोलेट्रल प्रकार के होते हैं, बही फ्लोएमी या कोलेट्रल प्रकार के पाए जाते हैं। और फ्लोएम जो होता है यह कैसा है बही फ्लोएमी है, क्योंकि यह परिरंभ के ठीक बाद में पाया जाता है। इस प्रकार से ये जो है एंडोडर्मिस हमने बनाई है, और फ्लोएम के ठीक नीचे क्या होती है यहाँ पर जो है एदा पट्टिकाएं पाई जाती है, कैम्बियम जिसको कहते हैं। इस प्रकार से यह जो है विकसित होती है। एदा की उपस्थिति के कारण से ही द्विबीजपत्री पादपों के तनों में क्या होता है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और एदा के ठीक नीचे जो है यहाँ पर क्या होता है मेटाजाइलम पाया जाता है। मेटाजाइलम यहाँ पर जो है उपस्थित रहता है। यहाँ पर जो सावन पुल बनते हैं वह कैसे होते हैं
संयुक्त बहिफ्लोएमी खुले प्रकार के बाहे आदि दारुक अंत आदि दारुक प्रकार के एंडार्च प्रकार के, जबकि जड़ों के अंदर हमने देखा था कि ये जो है एक्सार्च प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेटाजाइलम जो होता है यह क्या होता है परिधि की ओर होता है, जबकि प्रोटोजाइलम जो होता है यह केंद्र की ओर पाया जाता है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर क्या होता है कि सावन पूल जो होते हैं यह कैसे होते हैं एंडार्च प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है यहाँ पर बनती है दो सावन पूलों के बीच में। यहाँ पर क्या होता है ये मज्जा रश्मियाँ पाई जाती है। मज्जा रश्मियाँ जो होती है यह मृदु उत्तक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। दो सावन मंडल जो होते हैं उनके बीच का जो भाग है जो मृदु उत्तक कोशिकाओं द्वारा बनता है इन्हें मज्जा रश्मियाँ या मज्जा पट्टिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री तने में जो है आंतरिक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री पादप तने की आंतरिक संरचना स्थूल कोणों तक ये जो है इसे मृदु ऊतक कहते हैं। मृदु ऊतक कोशिकाएं ये जो होती है एंडोडर्मिस के रूप में होती है। ये भाग जो है इसे हम परिरंभ कहते हैं। परिरंभ के ठीक नीचे जो है फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम के ठीक नीचे जो है एधा पाई जाती है या इसको हम कैंबियम कहते हैं और एधा के ठीक नीचे मेटाजाइलम पाया जाता है इसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है मज्जा का निर्माण ये भाग जो होता है इसे हम मज्जा कहते हैं मज्जा या पित्त कहते हैं। तो ये जो है एक द्विबीजपत्री पादप की आंतरिक संरचना का जो है निर्माण इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये जो है एक द्विबीजपत्री पादप तने की आंतरिक संरचना कहलाती है। तो इसमें हम निम्नलिखित भाग देख रहे हैं एक तो सबसे बाहर की ओर जो है रोम पाए जाते हैं। रोम के ठीक नीचे जो है बाह्य त्वचा स्थित होती है। बाह्य त्वचा के नीचे जो है वल्कुट भाग पाया जाता है। वल्कुट भाग जो है दो प्रकार का होता है स्थूल कोणोत्तकी और मृदु उत्तकी। वल्कुट के ठीक नीचे फिर जो है एंडोडर्मिस यहाँ पर उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे फिर जो है परिरंभ पाया जाता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हार्ड बास्ट के रूप में पाया जाता है। सावन पूल जो होते हैं यहाँ पर सावन पूल जो होते हैं यह कैसे होते हैं वलय में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये क्या है वलय में उपस्थित हैं। सावन पूल जो होते हैं यहाँ पर संयुक्त प्रकार के होते हैं तथा यह बही फ्लोएमी या कोलेट्रल प्रकार के होते हैं। इनको कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कहा जाता है और यह जो है खुले प्रकार के होते हैं अर्थात इनमें जो है कैम्बियम पाई जाती है जिसके कारण से इनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। सावन पूल जो होते हैं खुले प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है यह जो है मेटाजाइलम जो होता है इसमें क्या है जब बाहर की ओर होता है तो इसे हम जो है
अंते आदि दारुक कहते हैं, अर्थात इसमें मेटाजाइलम जो है वो बाहर की ओर है तथा प्रोटोजाइलम जो होता है ये अंदर की ओर होता है। तो ये एंडार्च प्रकार के होते हैं। इनमें मज्जा जो होती है यह सुविकसित प्रकार की पाई जाती है, अर्थात इनमें मज्जा जो होती है यह उपस्थित होती है। तो ये सभी भाग जो है मिल करके द्विबीजपत्री पादप के तने की आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एक बीजपत्री पादप के तने की आंतरिक संरचना। थैंक यू।